रिलेशन एंड फंक्शन। नाउ बच्चा बच्चा जानता है कि भैया ये चैप्टर इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है, जरूरी तो मतलब जरूरी भी है, टेक्निकली वो इम्पोर्टेंट भी, एक ही बात है जरूरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो सर ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इक्विवेलेंट है, रिलेवेंट है फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, अलोंग विद द पर्सपेक्टिव्स की भैया हम लोग जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा ज्ञान ज्यादा मिलता है एंड इंटर रिलेटेड भी है। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या होता है कि भैया यही चैप्टर हमें तीन चार जगह मदद कर देता है जो हम लोग सोचते नहीं है। चलिए सर सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी सेट से। अच्छा सेट क्या होता है, व्हाट इज अ सेट, सेट क्या होता है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। Any group of element is known as set. क्या बोला बेटा मैंने? Any group of element is known as set. भैया मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया group of vowels is set. Group of odd number less than 5 set है. Group of odd number less than 10 set है. अगर मैं कुछ भी ऐसा बोल रहा हूँ, voice थोड़ी कम आ रही है? एक सेकंड. प्रॉपर्टीज में नहीं, फिल्टर में जाना है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, मैं गेन कर देता हूं। अभी सही है? चलिए ग्रेट 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 ग्रेट। ओके सो सेट का मतलब क्या हो गया, एनी ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज नोन एज सेट। एनी ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज नोन एज सेट, यस सर, एनी ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज नोन एज सेट। भैया हर चीज एक सेट के अंदर का ही हिस्सा है, मेरा मुझमें हिस्सा है, तेरा तुझमें हिस्सा है, लेकिन हर चीज जो है वो सेट का ही हिस्सा है, हमें पता है। हाँ अच्छा, नाउ सेट्स ऑफ मल्टीपल टाइप्स, सेट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट मतलब हो गया अनकाउंटेबल। अच्छा जब हम लोग डिस्कस करते हैं अनकाउंटेबल, तो भैया अनकाउंटेबल मतलब क्या होती है, जिस भी चीज को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। मैं बोलता हूँ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, कहीं ना कहीं यू नो बहुत सारे ऐसे नंबर है ना, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, चलो सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर, क्या आप इन्हें कहीं भी जाके रोक पाओगे, क्या नहीं रोक पाओगे। तो भैया जब मैं बोलता हूँ इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, विच आर अनकाउंटेबल, विच कैन नॉट बी काउंटेड एट ऑल। दूसरा होता है फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या हो गया, फाइनाइट सेट का मतलब हो गया सेट ऑल वो अपने वो हो गया काउंटेबल नंबर, काउंटेबल नंबर मतलब क्या हो गया, लेट मी एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल वे, मान लो वोवल्स सेट ऑफ वोवल ए ई आई ओ यू, काउंटेबल ए ई आई ओ यू पांच लेटर्स होते हैं क्या, हां बचे हुए 21 क्या होते हैं, बचे हुए 21 कंसेक्यूटिव होते हैं, ठीक है। तो भैया एक सेकंड रुको, बैटरी डाउन है, एक सेकेंड चार्जिंग पे लगा देता हूँ वरना निपट जाएगा अपना, आधे में लाइव निपट जाएगी, फिर वो बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। जस्ट अ सेकेंड, कच्चा बादाम, हाँ चलो यस एक सेकेंड। हाँ सो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स हो गया, अच्छा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर लेस देन 11 क्या रहेगा, दो चार अरे पॉजिटिव बोला, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 11 दो चार छह आठ, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर अप टू टेन बोल दिया तो -1 -2 ऐसे चलते जाएगा -10 तक, यानी इसका मतलब क्या, फाइनाइट सेट का मतलब हो गया जहां भी अपन काउंट कर सकते हैं, ठीक। थर्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, सुनो मेरी बात, अरे मैंने क्या बोला सेट ऑफ वोवल बनाओ, तो सेट ऑफ वोवल में आपने क्या किया ए ई आई ओ यू कर दिया, हाँ सर ए ई आई ओ यू कर दिया, जैसे ही आपने ए ई आई ओ यू पता किया है आपको पता आपने क्या किया, आप लोगों ने मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम किया, आप लोगों ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल दिए क्या, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं अपन एक सेट के अंदर वो नंबर ऑफ एलिमेंट का ही पूरा गेम है क्या, हाँ सर नंबर ऑफ एलिमेंट का ही पूरा गेम है। तो जैसे ही मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट का काम है, ठीक है। फोर्थ क्या होता है, इक्वल सेट क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया इफ द एलिमेंट ऑफ द
sets are equal. क्या बोल रहा हूं मैं? If the element of these sets are equal, भैया elements of these sets का मतलब क्या हो गया? आप समझ नहीं रहे हो बात को. Element of these set का मतलब क्या हो गया? Element of these set का मतलब हो गया जैसे A B C, दूसरे set में भी A B C. समझो नहीं भाई, अगर एक set में A B C और दूसरे में है B C A, तो क्या दोनों में एग्जैक्टली अंदर आने वाले एलिमेंट सेम है? हाँ सर, दोनों के अंदर आने वाले एलिमेंट सेम है. एक में ए बी सी है, दूसरे में बी सी, लेकिन एलिमेंट सेम है. ठीक है, यस सर. तो भैया हमारे लिए क्या है सर? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इक्वल सेट में तो क्या हो गया? सारे एलिमेंट सेम है. फिफ्थ हो गया इक्विवेलेंट एलिमेंट, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट क्या हो जाता है बेटा? इक्विवेलेंट सेट क्या हो जाता है? इक्विवेलेंट सेट हो जाता है जब हमारे नंबर ऑफ, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट आर इक्वल. सो बेटा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का मतलब क्या हो गया? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का बहुत ही ज्यादा सिंपल सा मतलब हुआ, ध्यान से सुनना है तो काफी समझ में आएगा. कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का मतलब क्या हो गया? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का मतलब हो गया कि भैया नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्वल. एक सेट में है ए बी सी, एक में है एक्स वाई जेड. क्या बोला मैंने? एक में है ए बी सी, एक में है एक्स वाई जेड. क्या दोनों में एलिमेंट एकदम सेम है क्या? एक में ए बी सी मतलब तीन, एक्स वाई जेड मतलब तीन. क्या कोई डाउट हुआ क्या इस प्रोसेस में? नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना. कोई डाउट हुआ क्या इस प्रोसेस में? नहीं हुआ, बिल्कुल भी डाउट हुआ क्या? नहीं हुआ. तो भैया ऐसे केस में हमारे लिए क्या हो गया? ये हो गया हमारे लिए इक्विवेलेंट सेट. बोलो हाँ या ना. ये हो गया हमारे लिए इक्वी वेलेंट सेट. बोलो कोई डाउट? मन में कोई सवाल? एक सेकंड रुक जाओ यार, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड. यस सॉरी, ओके. तो क्या हो गया? वो हो गया हमारे लिए इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या हो गया? इक्विवेलेंट सेट का मतलब हो गया कि भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल. समझ रहे हो क्या? जब हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे तब हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो हमारे लिए हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट. इज दैट, इज देयर एनी डाउट? नहीं सर, दैट इज अगेन वेरी क्लियर. कोई भी गम नहीं है, कोई भी गम नहीं है. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सब नॉर्मलाइज हो जाएगा. चलिए अच्छा, और कौन कौन से सेट होते हैं? मैं एक सेकंड भाई, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मैसेज करते चलना, आई एम हियर ओनली. चलिए एक क्या होता है सर? सर अगले हमारे लिए कौन से होते हैं? एक होता है हमारे लिए सिक्स यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? हु इज यूनिवर्स क्या होता है? जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे क्या? हाँ भाई, जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं अगर वो सारे के सारे किसी एक सेट के अंदर होंगे वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी अ यूनिवर्सल सेट. क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट. ठीक है, सेवंथ. सेवंथ हमारा क्या हो जाएगा सरकार? सरकार सेवंथ हमारा हो जाएगा, सुनो मेरी बात ध्यान से समझना, सबसेट. सबसेट, सबसेट क्या होता है बेटा? सबसेट का मतलब होता है, टेक्निकली अगर ध्यान से समझने लें, तुम तुम्हारे माताजी या पिताजी के सबसेट हो. और आई कैन से तुम्हारे माताजी पिताजी तुम्हारे सब, आई मीन तुम तुम्हारे माताजी पिताजी के सबसेट हो और तुम्हारे दादाजी या नानाजी विल बी अ यूनिवर्सल सेट, जिनके क्योंकि उनके अंदर सारे एलिमेंट्स है. ओके, तो सबसेट मतलब तुम तुम्हारे पिताजी या माताजी के सबसेट हो से कवि का क्या तात्पर्य है? उससे मतलब हमारे अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस में है? हमारे से ऊपर वाले सेट में है. एक मिनट में समझने की कोशिश करते हैं. एक सेट है ए बी सी, दूसरा सेट है ए. क्या इसको नाम दे देते हैं एक्स, इसको नाम दे देते हैं वाई. क्या वाई इज अ सबसेट ऑफ ए? यस और नो? यस सर, वाई इज अ सबसेट ऑफ ए. मान लो एक और केस है जेड जिसमें दिया हुआ है बी सी. तो क्या भाई नाउ वाई एंड जेड both are the subset of x? yes sir, y and z both are the subset of x. simple सा फंडा है क्या? कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल है. eight
एट पावर सेट, पावर सेट हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने अपने को, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है, बस पोल नहीं होगा उन क्वेश्चंस का, बट फॉर द कंसेप्चुअल क्लियरिटी अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। एनीवेज, अच्छा सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, आया ना, आया ना, सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है 2 टू द पावर n, और प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, बोलो आया ना, क्या होता है, बोलो भाई आया ना, बोलो 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 सर, प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला है 2 टू द पावर n माइनस 1, अभी तक किसी ने भी कमेंट नहीं किया, ठीक है। एक तो क्या हमारा पावर सेट, पावर सेट क्या होता है सरकार, पावर सेट होता है टेक्निकली जिस जो पावर है जिसके अंदर जो आइगन बहुत सारे सेट को मिलाकर बनता है, या फिर जिसके अंदर हमारे तीन चार सेट्स के एलिमेंट हो जाते हैं वो पावर सेट हो गए। टेक्निकली आपके पिताजी पावर सेट हो गए क्या, आप उनके सबसेट हो गए क्या? अरे वो होल्डिंग कंपनी सबसेट की कंपनी वाला कांसेप्ट है यार। चलिए नाइंथ सबसे इंपॉर्टेंट रह गया गलती से, नल सेट। नल सेट क्या होता है? नल सेट मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। हेलो, नल सेट क्या होता है? नल सेट मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। सरकार कोई भी एलिमेंट नहीं होता है इससे आपका क्या मतलब है? मन में लड्डू फूटा नया कैपरी दर्द में 2 रुपए में 2 लड्डू बेटा बाद में खाना, लेकिन मेरे मेरे बात समझो सर। कोई भी सर कमेंट लेट आ रहे हैं आपको, कमेंट लेट आ रहे हैं, आई नो इसलिए मैं कमेंट बॉक्स खोल के बैठा हूं, बट स्टिल आई एम रिसीविंग इट लेट। वो ही यूट्यूब में नेगेटिविटी है आज की तारीख में, बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि क्या कनेक्ट क्या है, कैमरा जो है वो पहले ब्लैक मैजिक डिवाइस को दे रहा है, वो कंप्यूटर लैपटॉप में ओबीएस को दे रहा है, ओबीएस यूट्यूब को दे रहा है। तो जो ओबीएस और यूट्यूब का जो गेम है ना, इसमें पूरी प्रॉब्लम है। मतलब अगर कोई क्रिकेट मैच देखते हो ना लाइव, या अगर कोई न्यूज चैनल देखते हो, कोई भी लाइव ऐसा कोई भी यूट्यूब पर लाइव देखते हो ना, तो वो हमेशा 10 से 15 सेकेंड डिले होगा। चलो नल सेट क्या होता है? नल सेट मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं, एकदम एम्प्टी सेट। अच्छा इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसे रिप्रेजेंट करते हैं आइदर फाइ से और ब्लैंक से। सर बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि सर क्या हम लोग इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में जीरो डाल दें? लाले की जान, बीच में जीरो डालना भी मना है। सर बीच में जीरो डालना क्यों मना है? क्योंकि जीरो भी तो एक एलिमेंट है। मैं पूछता हूँ, अच्छा टेल मी अ नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने से आंसर जीरो आए, दैट कुड बी ओनली जीरो। जीरो इज द ओनली नंबर जिसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा। तो आप ब्रैकेट में क्या बताओगे? आप बोलोगे सर देखो ऐसे ब्रैकेट में हम लोग नीचे अंदर तो जीरो लिखेंगे ना, सो जीरो इज इटसेल्फ अ एलिमेंट, ठीक है। फिर क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? आई एम अ कॉम्प्लायंट बॉय, ये कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? आई एम अ कॉम्प्लायंट बॉय, ऐसा होता है कॉम्प्लीमेंट सेट। नहीं सर, कॉम्प्लीमेंट सेट इज नॉट आई एम अ कॉम्प्लायंट बॉय। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? उसे हटा देना। मान लो आपका आपकी एक्स से झगड़ा हो गया, अरे एक्स यार एक्स वाई जेड वाला एक्स, आपका एक्स से झगड़ा हो गया, आपने बोला यार आज के बाद मैं कोई भी अल्फाबेट लिख दूंगा, कोई भी लेटर लिख दूंगा, लेकिन मैं एक्स कभी भी नहीं लिखूंगा। क्या बोला आपने? आपने बोला मैं कोई भी अल्फाबेट लिख दूंगा लेकिन एक्स कभी नहीं लिखूंगा, यानी एक्स को हटा के यस और नो? यस सर। ऐसे केस में अपन क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं एंड ऑफ यूनिवर्सल, पूरे यूनिवर्स में से माइनस कर रहे हैं अपन एंड ऑफ व्हाटएवर इट माइट बी। आप ए को कर सकते हो, उस बी को कर सकते हो, पर हमारे केस में आप एक्स को कर रहे हो, समझ लो। तो यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? उसको हटा देना, समझ रहे क्या बात को? सो क्या ऑल दिस 10 थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन? बोलो भाई किसी के मन में कोई सवाल जवाब? कोई सवाल है क्या? और बोलो तो मैं आपको खुशखबरी दे दू क्या? खुशखबरी दे दू क्या? क्योंकि देखो जिनके इरादे मजबूत होते हैं उन्हें कोई नहीं हिला पाता, तो दे दो खुशखबरी दे दो। पावर सेट मतलब जो सेट्स को मिलाकर बनते हैं वो भी पावर सेट,
या जो किसी भी सबसेट के पावर में है। यस, सो यू गाइज आर हैविंग अ हॉलीडे फ्रॉम 31st जनवरी टू 6th फेब। आप लोगों की पूरी छुट्टी है 31st जनवरी टू 6th फेब, शायद 5th फेब तक है, ठीक है, शायद 5th फेब तक भी हो सकती है वो, लेकिन 6th या 5th तक है, क्योंकि 6th इज अ संडे एंड आई डोंट वांट कि भैया हम लोग संडे को ले लें। मैं सोच रहा हूँ कि संडे को जो ऑफ ही मिल देता हूँ फिर पूरा वीक ही ऑफ हो जाएगा। आई नो बहुत सारे नए बच्चे भी जुड़े हुए हमारे साथ, आज ही जुड़े, तो वो एक पॉइंट है, बट मैं देख रहा हूँ मैं कुछ करूंगा। बट हाँ, इट्स अ इट इज गोना बी अ वन वीक ऑफ और मेरे हिसाब से पार्टी वेडी बनती है। हाँ पक्का हो गया, फ्लाइट की टिकट तो वैसे भी हो गए थे मेरी, कल परसों हो गई थी, लेकिन फिर सुबह हमारा डगमगा गया था थोड़ा सा माहौल, थोड़ा माहौल एकदम टेंस हो गया था कि हम लोग नहीं जाने वाले थे। बट भगवान अगर आपके लिए कुछ चाहे और वो ना हो तो ऐसा हमें भगवान पे इतना विश्वास रखना चाहिए, ऐसा लगता है वी शुड ऑलवेज ट्रस्ट गॉड, है ना। हाँ क्रूज ही जा रहा सर, नहीं क्रूज ही जा रहा, क्रूज के अलावा मैं कहीं जाऊंगा भी नहीं, मतलब मेरी इच्छा सिर्फ क्रूज ही बची, क्रूज, स्कूबा डाइविंग एंड वाटर स्पोर्ट्स एंड व्हाट नॉट। एक्चुअली भैया मैं आपको एक बार बताऊं, मेरे को एक चीज समझ में जिंदगी में, दैट लाइफ इज शॉर्ट, आई कम टू नो अबाउट दिस थिंग, लाइफ इज शॉर्ट। अब जब जिंदगी छोटी है तो जी लो, एक ही तो ग्लास है, पी लो। चलो कोई डाउट किसी व्यक्ति को, ऑल क्लियर? यस सर, सर ये यहां तक की तो सारी बातें हम लोगों को एकदम क्लियर है, ठीक है, एकदम क्लियर है। ओके सर, चलिए थर्ड, ये आपको छुट्टी की डेट भी मैंने आपको बता दी, कल मैं ऑफिशियली क्लास में अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। हाउ वैक्सीनेशन तो हो गया ना, सेकेंड डोज तो बचा था, निकल गया वो भी फाइनली। चल इज दैट ओके, नजर तो लगाई थी बेटा, चलो नहीं वो तो मैंने लगने नहीं दी, मैंने क्या वो नमक का घोल लगा के वो कर दिया था, ये नजर तो लगाई थी बेटा। चलो चलिए सर, ओके ग्रेट, आगे बढ़े, चलिए सर आगे बढ़ते, ग्रेट 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 ग्रेट, आई बिलीव इट्स गुड थिंग, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ वो तो एक्चुअली बिना उसके हो रहा था, मतलब यू डोंट नीड अ कंपल्सरी वैक्सीनेशन, सो दैट्स ओके। चलो भाई बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। चलिए एनीवेज, क्योंकि हमारी ओल्ड बुकिंग है प्रॉब्लम, हमें फायदा क्या मिला ओल्ड बुकिंग, बट एनीवेज सो सेट सेट्स आर क्लियर। यस सर, देवराम ने क्या सेट्स एकदम क्लियर हो गए। हाँ फॉर्मूला था एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो बोलो हाँ, अच्छा यूनियन मतलब क्या होता है, यूनियन मतलब सबको लपेट लो, यूनियन मतलब क्या होता है सर, यूनियन मतलब होता है सबको लपेट लो। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन बोलता है कॉमन, कॉमन वाले को लेना, यूनियन का मतलब होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, क्या यूनियन के अंदर हम लोग सबको लेते हैं, हाँ लेकिन कॉमन हमारे इंटरसेक्शन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन वालों को लेते हैं। एक और फॉर्मूला इसी के ऊपर, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी डज इट बिकम्स एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इज दैट ओके। अच्छा सुनो मेरी बात, इसका मतलब होता है ए और बी एंड इसका मतलब होता है ए एंड बी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, अगर ये आपको क्लियर हो गई तो एकदम झकास जिंदगी जाएगी एंड अगर ये चीज क्लियर नहीं हुई तो जिंदगी झकास नहीं झकास जाएगी। चलो
श्योर आगे बढ़े। श्योर आगे बढ़े। यस एक क्वेश्चन देता हूं। एक क्वेश्चन देता हूं। बिटवीन मतलब बिफोर 500, 500 से पहले वो नंबर बताओ जो 4 एंड 6 से डिविजिबल होते हैं। 500 से पहले वो नंबर बताओ विच आर डिविजिबल नहीं 5 एंड 6 नहीं 5 और 6 5 और 6। यस बोलो। सॉल्व कर सकते हो क्या एक बार? हो रहा है क्या? मतलब क्या करना है आपको? डिविजिबल बाय 4 निकालना है, उसे प्लस करना है, डिविजिबल बाय 6 निकालना है, उसे प्लस करना है, एंड डिविजिबल बाय 4 इंटू 6 दैट इज 24 को माइनस करना है बस। तो 500 डिवाइड बाय 4 दिस बिकम 125। 500 डिवाइड बाय 6 दिस बिकम्स 83। 500 डिवाइड बाय 24 दिस बिकम्स 20। ठीक है। सो 125 plus 83 minus 20 does it becomes 188? क्या समझ में? और एंड एंड वाला फॉर्मूला कैसे निकला? अभी हमने पता है क्या किया? हमने किया n of a plus n of b minus n of a intersection b। समझ में आया क्या? आंसर कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता है। आप लोग ये गलती कर रहे हो। आंसर पॉइंट में नहीं आ सकता, आंसर हमेशा होल नंबर ही होगा। ठीक है, चलो आया क्या सब कुछ समझ में? आया क्या? इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन दो। चलो एक और क्वेश्चन दो। ठीक है, एक और क्वेश्चन लो। समझ में आया लॉजिक? आई होप सभी लोगों के दिमाग में लॉजिक आया होगा, बिकॉज अगर मान लो इसका आंसर नहीं आया तो लॉजिक समझ आना चाहिए। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये इधर इजी होना चाहिए। डेसिमल में? अरे भाई मेरे, डेसिमल में कैसे हो सकता है मुझे बताओ? 500 से 6 में 20.5 डिजिट कैसे डिवाइड हो सकती है? 20 होगी ना, एक आप देखोगे तो वो बड़ी होगी। इसलिए क्वेश्चन लेस देन मतलब वही 800 से, ठीक है, 800 से डिविजिबल होने वाली 4, 6 या 8। चलो सॉल्व करो जल्दी से सॉल्व करो। क्या पॉसिबिलिटी है 4, 6, 8 डिविजिबल होंगे? चलो लाइक तो किया करो रे, लाइक तो किया करो। बोलो क्या वो पेड़ है?
चादर ओढ़े या खड़ा कोई, हो रहा है कि हो रहा है? किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो भाई कमेंट कर दो कि प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा स्लोली अच्छे से। तेरा दोस्त किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लेना। फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब अपन यहां पे ले रहे हैं फोर वाले को, या ले रहे अपन सिक्स को, या ले रहे अपन एट को, यहां ले रहे अपन फोर और सिक्स 24 को, यहां ले रहे अपन सिक्स और एट 48 को, यहां ले रहे अपन फोर इंटू टू 32 को, एंड ये हो गया फोर इंटू सिक्स इंटू एट, दिस बिकम्स 192। ठीक है, डिविजिबल में अपन एनी नंबर को लेने वाले। ठीक है, तो अब 800 डिवाइड बाय 4 ये हो गया 200, ठीक है 200 प्लस 800 डिवाइड बाय 6 ये हो गया 133 प्लस 800 डिवाइड बाय 8 तो 100 ही होगा। ठीक है, 800 डिवाइड बाय 24 33, 800 डिवाइड बाय 48 16, 800 डिवाइड बाय 32 25, 800 डिवाइड बाय 32 कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो 200 प्लस 133 प्लस 100 माइनस 33 माइनस 16 माइनस 25 प्लस 4, चलो कितने लोगों का आंसर सही आएगा? 633 इज द राइट आंसर। डिविजिबल का आंसर है 633, डिविजिबल का आंसर है 633, 633 इज द राइट आंसर। जितने लोगों का आया बधाई हो, आप लोगों ने बिल्कुल सही निकाला है। अगर इफ इन केस नहीं आया था तो गलत निकाला बेटा। ठीक है, और अगर पूछा होता सर नॉन डिविजिबल, तो नॉन डिविजिबल पूछते, अगर नॉन डिविजिबल पूछते तो आपका आंसर होता 437। 437 शुड बी योर आंसर। सर 16.6 इसको 17 नहीं लिखे, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा अपने को, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, 16.66 को 67 लिखना ही लिखना ही समझना पड़ेगा। ठीक है, 800 डिवाइड बाय 48 मतलब आ रहा है 16.666। अगर आपने 17 लिखा तो एक काम करो 17 इंटू 48 करो। सर 17 इंटू 48 देखा, 17 इंटू 48 तो हो रहा है हमारा 816। हेलो, पर सरकार हमें 816 तक नहीं, 800 तक ही जाना है, 816 तक थोड़ा ना जाना अलाउड है, समझेगा बात को। वी आर नॉट अलाउड टू गो अप टू 86816, समझ रहे क्या बेटा? We are not allowed to go up to 816. We have to go till 800 only. So, अगर आप एक कदम आगे चले, मतलब अगर आंसर, सर एक बात बताओ, अगर आंसर 19.99 आ रहा होगा तो let's suppose तो भी आंसर 19 है, क्योंकि अगर 801 भी है तो भी वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो
बोलो कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? ऑल आर क्लियर विद द कंसेप्ट? ऑल आर क्लियर विद द कंसेप्ट गाइस? ऑल आर क्लियर विद द कंसेप्ट गाइस? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ू। एक लास्ट क्वेश्चन और लो, चलो ठीक है, इंडेक्स चल रहा है ना, 1000 है। नॉट डिविजिबल बाय सिक्सटीन, 24 एंड 25। चलो सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो। कोई तो हो रास्ता बेहद तेरा हो यार, कोई तो हो रास्ता चलो बोलो बोलो। हो रहा है क्या? चलो करो करो करो। चलो डायरेक्ट ले रहा हूं। चलो 62 प्लस 41 प्लस 40 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 आंसर बिकम्स 138। लेकिन 138 तो डिविजिबल वाला है क्या? हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है नॉट डिविजिबल वाला। तो भैया माइनस 1000 टेक्निकली 1000 माइनस 138 हो जाएगा। तो भैया माइनस 1000 अगर आप कर दोगे तो टेक्निकली आपका आंसर 162 आएगा क्या? बोलो, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट इस पूरे प्रोसेस में? किसी को कोई डाउट इस पूरे प्रोसेस में? अब आया, किसी को भी डाउट हो तो अपन रुक सकते हैं, बिकॉज सेट्स मेनली इतना ही, मतलब रिवीजन के प्रोस्पेक्टिव से तो एटलीस्ट इतना ही है। आगे हमें रिलेशन एंड फंक्शन की तरफ आगे बढ़ना है, देन एट द एंड वी विल डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस, दैट्स ओके। बट अब तक एक और क्वेश्चन ले लो, फाइंड द सबसेट ऑफ, फाइंड द सबसेट ऑफ सेट 1 2 4 6 8। सबसेट बता, फाइंड द सबसेट ऑफ 2 4 6 8, वरना बोलो कच्चा बादाम बेबी, कच्चा बादाम।
समझ लीजिए, ट्राई कर लो ना उन तीनों का, 16 × 24 × 25 वो 9600 के आसपास आ रहा है। मतलब अपने को तो 1000 तक कैलकुलेट करना है ना, तीनों डिवाइड होंगे 10000 के अंदर, वो तो फिर बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ना तेरे लिए। चलो सर क्या होता है, 2 to the power ये नहीं हो जाएगा, 2 to the power 4 दैट इज 16। अगर हमसे बोला जाता प्रॉपर सेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। प्रॉपर सबसेट क्या होता है सर, प्रॉपर सबसेट जिसके अंदर ओरिजिनल सेट इन्वॉल्व नहीं होता है। मुझे एक बात बताओ, क्या एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ? चलो चार बात, दो बातें समझाता हूं। पहली बात, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो भैया प्रॉपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सेट होता है 2 to the power n-1 = 16 - 1 = 15। क्योंकि इस प्रॉपर सेट के अंदर अपना जो खुद का एक सेट है 2, 4, 6 ये हम लोग काउंट नहीं करते हैं, बिकॉज इन प्रॉपर सेट ओरिजिनल सेट इज नॉट काउंट। ऑन व्हाट बेसिस? दिस इज भैया एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब चूंकि हर सेट खुद का सबसेट होता है, सबसेट के अदरवाइज करते हैं प्रॉपर सबसेट, मतलब और स्पेसिफिक। चलो आगे बढ़े। यस सर, चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक की तरफ। ठीक है, मेरे हिसाब से तो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है सेट रिलेशन फंक्शन। आई डोंट नो व्हाई बट आई लाइक इट, मुझे बहुत पसंद है सेट रिलेशन फंक्शन का रिलेशन एंड फंक्शन, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक में से एक है। सर रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है रिलेशन एंड फंक्शन। नाउ क्या होता है, रिश्ता क्या होता है, मुझे एक बार बताओ सर रिश्ता क्या होता है। मेरे भाई सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो, मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ। एक मेरे को कंप्यूटर में कमेंट्स खोल लेने दो, मैं फोन में ज्यादा इरिटेट, आई मीन फोन में स्क्रीन भी छोटी होती है। जस्ट अ सेकंड, फिर अपन खेलेंगे कच्चा बादाम अभी भी, कच्चा बादाम ऐसा। एक सेकंड जो, एक सेकंड, हाँ खुल गया। चलो जस्ट होल्ड। हाँ सो यस, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सुनो मेरी बात, तीन लड़कियां हैं, तीन लड़कियां कौन है, एक है सलोनी, एक है खुशी और एक है दीपा जी। ठीक, सलोनी, खुशी, दीपा और तीन लड़के हैं। लड़कों के नाम तो फिक्स ही है, ठीक है, भाभी है, केशव है। तुम कंफ्यूज मत होना, इधर केफ और केशव है, इधर केफ और सॉरी इधर केफ और खुशी है, इधर केफ और केशव है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और एक है हमारा आयुष, ठीक है, ये लोग हैं हमारी जिंदगी में, ठीक है। अब दो तरह से दो चीजें हो सकती है, एक है सलोनी, खुशी, दीपा, एक है भावी, केशव और आयुष, ये हमारे टोटल मिला के केसेस बन सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, उल्टा कर देते हैं अभी के लिए, उल्टा कर देते हैं, ठीक है, उल्टा कर देते हैं। बॉयज को इधर कर दो, गर्ल्स को इधर कर दो, ठीक है, एज पर दी नॉर्म्स, अपन नॉर्म्स के अगेंस्ट, ठीक है। सर ये कौन है, ये है हमारे बॉयज, और ये कौन है, ये है हमारी गर्ल्स। नाउ मुद्दे में आते, सब लोगों को एग्जांपल याद आ गया क्या? चलो सब लोगों को याद आ गया एग्जांपल। यस सर, सरकार दो तरह की चीजें होती है, एक होता है रिलेशन, एक होता है फंक्शन। ये दो ग्रुप है, ठीक है, दिस आर द टू ग्रुप ऑफ पीपल, ये हमारा ए ग्रुप, ये हमारा बी ग्रुप। अब अगर ए ग्रुप और बी ग्रुप में से कोई किसी एक के साथ भी रिश्ता बना लेता है, लेट सपोज रिश्ता बन गया, किसका किससे बन गया ये आपको पता है, ठीक है। Let suppose, just for fun चलना, ठीक है, सभी बनेंगे, ये भी रिश्ता बनेगा, ये भी रिश्ता बनेगा, तो चिंता की कोई बात नहीं, ठीक है। रिलेशन क्या सिखाता है सर, रिलेशन हमें सिखाता है कि भैया अगर किसी भी एक मेंबर का रिश्ता किसी भी एक मेंबर के साथ बन गया तो क्या अब ये लोग रिलेशन के हिस्से में आ चुके हैं क्या, क्या ये लोग अब रिलेशन के हिस्से में आ चुके हैं क्या? Yes sir, now they are the part of relation. एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड।
चलो सो यस आई एम सॉरी ओके तो हाँ सबका बनेगा सब बाप का भाई का चाचा का दादा का सबका रिश्ता बनेगा यहाँ पे ठीक है सो भाभी और सलमान जी का रिश्ता बन गया मुझे एक बात बताओ सुनो क्या किसी भी एक ग्रुप ने किसी भी एक ग्रुप के मेंबर के साथ अगर रिश्ता बना दिया तो क्या वो रिलेशन हो गया क्या बोलो हाँ या ना क्या ये रिलेशन हो गया क्या हाँ हो गया लेकिन जिसे हम समझते थे दूध का दूल्हा वो तो चाय का दूल्हा निकला भाभी गया खुशी के पास खुशी को जाके बोलता है बोले यार खुशी क्या बताओ तुझे मेरी जिंदगी में बस खुशी ही नहीं है बोले क्यों क्या हुआ बोले सलोनी के बाद भी सब लोनली हो गया है और मेरी जिंदगी में बिल्कुल भी खुशी नहीं है क्या बताऊं तुझे खुशी बिल्कुल खुशी नहीं ऐसा भाभी ने खुशी को कहा खुशी बेचारी पिघल गई खुशी को लगा कि भाई हमारा जेन्युइन बंदा है तो खुशी ने कहा चल ठीक है यार मैं तेरे साथ रिलेशन में आ गई दैट्स कॉल्ड रिलेशन क्या एक बंदा डबल रिश्ता रख सकता है हाँ रख सकता है फिर क्या हुआ फिर ये हुआ कि भाभी को लगा बोले यार देखो जिंदगी में दोनों कम नहीं होते मतलब मैं बोल रहा हूँ जिसको अपन ने समझा दूध का दूल्हा हमें लगा वो चाय का दूल्हा नहीं बेटा वो तो गंदी गंदी चीजों से दूल्हा हुआ मतलब वो पैक से दूल्हा हुआ ठीक है क्वार्टर से अड्डे से दूल्हा हुआ तो वो गया दीपा के पास बोले दीपा ओ दीपा आई हेट टीयर्स रे तुझे क्या बताऊं इन लोगों ने मेरी जिंदगी में दीपा तो छोड़ो दीपक तक लिए रखा है मतलब मेरी जिंदगी में इतना अंधेरा करके रखा दो दो को संभालेगा तो अंधेरे तो जाएगा लेकिन भाई बोल रहा है बोले कि मेरी जिंदगी में इतना अंधेरा है कि मैं क्या बताऊं जब मैं रात को ट्यूबलाइट भी चालू करता हूं तब भी मुझे ऐसा लगता है कि अंधेरे में आ गया हूं मैं तो ऐसा गम हमारे श्री श्री 1008 भाभी भाई की जिंदगी में था ऐसा उन्होंने दीपा को अभी भी क्या ये रिलेशन है क्या हाँ है लेकिन ये बात पता पड़ी केशव को और हमारे आयुष को उन्हें समझ में आया सलोनी को क्या बोलना है ओ सलोनी हम बहुत लोनली रहे जिंदगी में कुछ नहीं बचा खुशी को कहना है हमारी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है दीपा को कहना है हमारी जिंदगी में कोई दीप नहीं है समझ रही खबर को ऐसा ही आयुष को भी सामने आ गया आयुष ने बोला क्या बोला है बोला है दीपा को बोलना है जिंदगी में कोई अंधेरा मतलब कोई उजाला नहीं है खुशी को बोलना है कोई खुशी नहीं है और सलोनी को बोलना है कि हमारी जिंदगी में कोई भी मतलब कोई खुशी नहीं है हर चीज ऐसा 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 ज्ञान है हम एक बात समझ में पूरी चीज के ऊपर This is the whole point where we come at the end. ये हमारा पूरा का पूरा फंडा है ठीक है ये हमारा पूरा का पूरा फंडा है अच्छा मुझे बात बताओ क्या एक आदमी एक दूसरे को सब एक दूसरे को धोखा देने का यहाँ पे हमें लगा था कि सलोनी जो है वो माता है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो ऐसा हमें सलोनी को देख के लगा था क्या वो अच्छी बंदी है क्या नहीं सर देखो तीन तीन लाइने आ रही है यहाँ पे हमें लगा खुशी जो है बड़ी खुश मिजाज है लेकिन अच्छी लड़की होगी अच्छी है क्या नहीं सर दीपा का नाम कितना पवित्र है दीपा लेकिन दीपा के नाम पे सबके घरों में अंधेरा लगाने वाला अंधेरा फैलाने वाली कौन है ये तो दीपा जी निकली बात समझ लो क्या बट क्या इससे रिलेशन को कोई फर्क पड़ता है क्या इससे रिलेशन को कोई फर्क पड़ता है क्या नहीं लेकिन ये हुआ करता था इन द ईयर 2000 जब महंगाई कम हुआ करती थी तब इसे कहते थे रिलेशन समझ रहे बात को तब महंगाई कम हुआ करती थी साहब एक आदमी दो तीन लोगों का खर्चा उठा सकता था तब खर्चा उठाना पॉसिबल था लेकिन अब आपको क्या बताऊं महंगाई कितना सर चढ़कर बोल रही है महंगाई कितना सर चढ़कर बोल रही है ये हमें अभी बताना पड़ेगा अब समय आ गया है 2022 का वैसे सोचने वाली बात है 2022 का भी खत्म मतलब टाइम इज गोइंग लाइक दिस यार पता ही नहीं पड़ रहा है कि समय कहाँ जा रहा है चलिए सर अब आया समय 2022 का जिसके अंदर रिलेशन में फंक्शन चलता है फंक्शन में क्या होता है लोग वही है
वही भावी है, वही केशव है, वही आयुष है, वही सलोनी है, वही खुशी है, वही दीपा है, लोग वही है। सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो। रिलेशन क्या कहता है? रिलेशन कहता है एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। रिलेशन ने क्या कहा? रिलेशन ने कहा एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी भैया कोई भी किसी के साथ भी रिश्ता बना सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और मान लो दो मिनट के लिए हमारा जो आयुष है वो अच्छे घर का लड़का है, एकदम शरीफ है, और गरीब घर का लड़का है, बिल्कुल पैसा नहीं है। उसके पापा उसको पैसा तब देते हैं जब वो एकदम बस निपटने वाला होता है, खाना तब खिलाते हैं जब बस निपटने वाला होता है। ऐसे घर से आयुष आता है, ठीक है, अच्छा घर का लड़का। ऐसे में आयुष कोई भी पर्सन को अपनी जिंदगी में अफोर्ड नहीं कर पाता है, कोई भी पर्सन को आयुष अपनी जिंदगी में अफोर्ड नहीं कर पाता, तो भी वो रिलेशन। अगर हमारा केशव भाई को किसी दिन सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, मैं इस पूरी दुनिया का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, और केशव किसी दिन सुधरना चाहे, तो भी वो रिलेशन है, क्योंकि भावी ने कमान संभाली हुई है। भावी को अभी भी लग रहा है वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहा है, लेकिन किसी दिन भावी के मन में ऐसा सवाल आ जाए कि यार इश्क मोहब्बत प्यार की बातें बेकार की बातें, और ये सब फीलिंग तन्हाई मोहब्बत ये सब तो मेरा एक ही के साथ है, और भावी अगर इन दोनों को छोड़ दे तो भी ये रिलेशन है। बात समझ रहे हो क्या? एट एवरी पॉइंट इट इज कंसिडर्ड एज रिलेशन बिकॉज Any element of set A is related to any element of set B. ऐसा भी हो सकता है कि भाभी को लगे नहीं सर, जस्ट आफ्टर दिस सेशन भाभी को लगे नहीं सर, ठीक है, भाभी को लगे नहीं सर, मेरी जिंदगी में असली दीपक तो सिर्फ दीपा ही जला सकती है, बिन तुम्हारे माही अरे मोरे नैना नैन तकारे, ऐसा ख्याल आया हमारे भाभी को। अभी भी ये रिलेशन है, क्यों? क्योंकि एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। बोलो मेरे साथ, अगर इसके बाद दीपा को लगता है मैं दीप जलाऊंगी भाभी के घर में, लेकिन मेरे घर में दीप कौन जलाएगा? आयुष। अभी भी ये रिलेशन है, क्योंकि एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। आयुष को लगा मैं दीप जलाऊंगा दीपा के, मेरे घर में दिया जलाएगी सलोनी, फिर भी रिलेशन है, क्योंकि एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। बोलो समझ में आया क्या? केशव हमारा सिंगल है, खुशी हमारी सिंगल है, एक्चुअली मनोज तुम्हारा के वर्ड है, तुम सिंगल नहीं रहते पर हाँ। सो क्या अभी भी रिलेशन है? यस, क्यों रिलेशन है? बिकॉज एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए is related to any element of set B. Bolo haan ya na? Yes or no? Yes sir. On the other hand, function kya bolta hai? Maza aa raha hai. Yaad lena chahiye. Beta, suno. Pata pade kya hoga? Main isse example banata hu taki tumhe yaad reh jaye. Bhavi ka dhyan kahan hai? भावी का ध्यान है भाभी का, सॉरी वो तो उसकी एक थी, किसी को बताया नहीं, बट मैं तुमको बता देता हूँ, तुम्हें किसी ने बताया। भाभी का ध्यान था भाभी का में, मगर उसका ध्यान चले गया इधर, दीपा का ध्यान उधर, सब लोग इधर उधर खोए हुए, वो बैठ के सोच रहे वाह। और किसी ने इमेजिन भी कर लिया, मतलब जब मैंने कहा ना दिया जलाएगी, तो किसी ने इमेजिन कर लिया है कि उसने दिया लिया है, तेल डाला, रोई डाली, माचिस से आग भी लाए, दिया जला भी दिया और रख भी दिया उसके सामने, तुम ही हो मेरी जिंदगी, ऐसा तो मतलब चलो इस बार ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा है, इस बार क्या रियल नाम ले रहा हूँ ना, मतलब पहली बार रियल नाम ही लेता था ना, इस बार रियल नाम ले रहा हूँ तो ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा है। चलिए, यस बेटा, खुशी कुमारी तुम्हारे नाम में दो बार के है, तो सिंगल कैसे हो सकते, तुम्हारे नाम में दो बार, लॉजिक पकड़ो थोड़ा, है ना। चलो, सो वैसा सीन है। एनीवेज,
ऐसा सिर्फ भावी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता अपने क्लास में। चलो ठीक है, चलिए सर। तो फंक्शन क्या हुआ सरकार, फिर फंक्शन क्या हुआ? अच्छा रिलेशन क्या था? रिलेशन था एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। यस, फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन हो गया एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सॉरी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। सुनो 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 सुनो, दिस ईयर इज ऑफ गर्ल्स, इसे कहते हैं इट्स हर चॉइस। क्या बोलते हैं बेटा? इट्स हर चॉइस। मतलब मान लो भाभी का तो फिक्स है कि रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। केशव का भी फिक्स है क्योंकि केशव ने और कुछ नहीं देखा, केशव ने देखा कि केशव ने बोला बोले आगे की खुशी जो है वो तो हम मना लेंगे, लेकिन खुशी में के होता है और केशव में भी के होता है, वो ये मान चुका है कि हम दोनों की रब मिलाई जुड़ी है, ठीक है। लेकिन आयुष को एक नाम बहुत पसंद है, वो है एके। तो आयुष भी जो है के पीछे है। दुख है हमें, आई एम सॉरी दीपा जी, हमें बेहद दुख है कि आपको इस जन्म में कोई नहीं मिल पाया, बट हम उम्मीद है कि आपको आपके घर का चिराग सॉरी आपको आपके घर का दीपक जल्द मिलेगा। सर मुद्दे पर आते हैं, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी बी ये जो ए है सेट ए जो है, यानी लड़के जो है वो लड़की से कंपल्सरी रिश्ता बनाएंगे। अगर कोई भी लड़का सिंगल रहेगा तो क्या फंक्शन कहलाएगा क्या भाई? नहीं सर, मैं आपको सिंपल सवाल देता हूँ, कोई भी लड़का सिंगल रहेगा तो वो फंक्शन कैसे जाएगा, फंक्शन में कैसे जाएगा, किसके साथ नाचेगा? तो फंक्शन में नहीं जाएगा, फंक्शन में जाने के लिए हमें तेरा ही सहारा माता रानी, उसको बोल रहे हो हमें तेरा ही सहारा माता रानी ऐसा कृपा बरसाए रखना, मतलब उसके मन में ऐसा थॉट प्रोसेस चलना चाहिए। तो बी ए तीनों लोगों के लिए मुझे एक सिंपल सा लॉजिक, क्या इन तीनों को कंपलसरी रिलेशन में आना पड़ेगा? लेकिन क्या सलोनी के लिए या खुशी के लिए या दीपा के लिए कोई कंपलसरी रूल है क्या? क्या सलोनी के लिए या खुशी के लिए या दीपा के लिए कोई कंपलसरी रूल है क्या कि इन्हें भी रिश्ते में आना पड़ेगा? नहीं, इन्हें कोई कंपलसरी रूल नहीं, इन्हें रिश्ते में आना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, क्या आयुष को पसंद खुशी है लेकिन उसके मन में कैसे सवाल आया कि यार क्या कर रहा हूं मैं जिंदगी में, यार मैं खुशी के साथ दिया भी जलाऊंगा? क्या आयुष ऐसा कर सकता है? क्या ऐसा कर सकता है रिलेशन में? फंक्शन में नहीं कर सकता। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फंक्शन में अगर ये दोनों को साथ में लेके गया तो पकड़ा जाएगा। इसीलिए फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे खुशी भी तो है, ये भेदभाव क्यों है, भेदभाव इस दुनिया से ऐसा क्यों? सर आपने खुशी के साथ भेदभाव क्यों किया? ऐसा क्या है उसके पास? उसके पास उसकी चॉइस है, इट्स हर चॉइस। समझ रहे हो क्या? इट्स हर चॉइस मतलब क्या हुआ? मतलब खुशी के पास चॉइस ही नहीं है ना, आई एम सॉरी खुशी के पास अपनी चॉइस है, लड़कों के पास अपनी चॉइस नहीं होती। सर एग्जाम्पल दो, अब एक गधो उसमें भी एग्जाम्पल दो, तुम 200 रुपए की चॉकलेट तो हफ्ते भर अपना पॉकेट मनी बचा बचा के खिलाते हो, तो अगर दो बार तुमको दो लोगों को हर हफ्ते चॉकलेट देनी पड़ेगी तो तुमको तो किडनी बेचनी पड़ जाएगी तुम्हारी, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर किडनी मैं एग्जाम्पल में भी तुम्हें सिंगल रख रहा हूं। दीपा जी हम माफी चाहेंगे, हो 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 हम माफी चाहेंगे,
समझ में आया क्या? मतलब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बोलता है एनी टाइप ऑफ रिलेशन इज एक्सेप्टेड. Any element of set A is related to any element of set B is a relation. हर चीज रिश्ता है, ये हमारा रिलेशन बोलता है. लेकिन फंक्शन क्या होता है? Every element of set A is uniquely related to any element of set B. आयुष दीपक नहीं जला सकता, पर अगर आयुष को दीपक जलाना है तो उसे अपनी अगर आयुष को दीपक जलाना है तो उसे अपनी खुशी त्यागनी होगी. समझ रहे हो क्या? समझ में आया क्या? उसे अपनी खुशी त्यागनी होगी. अगर वो अपनी खुशी त्याग देगा तभी वो दीपक जला पाएगा. बोलो कोई डाउट? बोलो कोई डाउट? बोलो कोई डाउट? किसी के मन में किसी प्रकार का कोई सवाल जवाब? आप खुशी त्याग दो, दीपक जला लो. दीपक जला के खुशी साथ में नहीं मिल सकती. क्या सर ऐसा पॉसिबल है? एक बार और समझते हैं. क्या सर ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. ऐसा पॉसिबल होगा रिलेशन में, फंक्शन में नहीं हो सकता. चलो कोई डाउट मन में बता, रिलेशन को लेके फंक्शन को लेके किसी प्रकार का कोई डाउट? किसी को कोई प्रकार का डाउट? हो ही नहीं सकता डाउट. हमारे ऊपर खुद के ऊपर आया है सर, अब कैसे डाउट होगा? नहीं केशव, खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दुख होके दीपक जलाने का क्या फायदा. वाह, मतलब भाई की इंटेंसिटी देख रहे हो. मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि भैया और बेटा वो तुम्हारा नाम था भाई, इट वॉज योर नेम, इट वॉज नॉट केशव नेम. क्यों बेचारे को बीच में लेके आ रहे हो? नहीं केशव, खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बेटा केशव को तो क्लियर है, उसको तो के समझ के समझ में आ गया था, तुमको समझ में नहीं आ रहा है. खुशी का नाम के है, खुशी कुमारी, वो खुशी कुमारी के लिए नहीं है, तुम नहीं समझोगे. ठीक है, अभी तुम बच्चे हो. चलिए सर, अब रिलेशन भी तीन प्रकार के होते हैं. देयर आर टेक्निकली फोर टाइप्स ऑफ रिलेशन. पहला रिलेशन जिसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, दूसरा रिलेशन जिसे सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, तीसरा रिलेशन जिसे ट्रांजेक्टिव रिलेशन कहते हैं, रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन. अच्छा, लड़ाइयां होने लगी हैं अब सर. चलो, ऑल दिस एग्जांपल आर जस्ट टेकन फ्रॉम सम ऑफ अदर क्लासेस, नॉट फ्रॉम यू गाइस. ये सब आपके जो भी नाम जात पात जो भी मैच हो रहा है, ये सब और सिर्फ एक दुर्घटना से हो रहा है या एक संजोग से हो रहा है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, हाँ चलिए सर. अब तीन तरह के रिलेशंस, चार तरह के टेक्निकली रिलेशन होते हैं. एक उफ, एक नहीं केशव भाई, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं. मेरा तलवार मैं दूंगा और तुम लड़ना मत, गन मैं दूंगा तुम लड़ना मत, गोली मैं भर के दूंगा तुम लड़ना मत, लोड भी मैं करके दूंगा, बस तुम डरना मत. नहीं चलो, ओके सर. नाउ वी हैव थ्री थिंग्स विद आवर रिलेशन. ठीक है, वी हैव थ्री थिंग्स. रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जाकिर खान ने क्या कहा? तबले वाले जाकिर खान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान की. ठीक है, जाकिर भाई ने क्या कहा? जाकिर भाई ने कहा हद से सिंगल इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप, जो खुद से रिश्ता बना. जाकिर भाई ने कहा था कि शक्ति कब आती है? शक्ति तब आती जब आप खुद से रिश्ता बनाना चालू करते हो. और खुद से रिश्ता कब बनाते हो? जब आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होते हो. क्या यहाँ पे केशव भाई एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन रख रहे हैं क्या? हाँ, क्या केशव भाई ने किसी की तरफ देखा नहीं? केशव भाई रहते शक्ति में, निकलते नहीं है क्या?
ठीक है, केशव भाई रहते हैं शक्ति में, ऐसे पिघलते नहीं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी एक तरफा प्यार भी मोहब्बत होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्री रिलेशन क्या है, सिमेट्री रिलेशन शाहरुख खान है, ठीक है, सिमेट्री रिलेशन है कि शाहरुख खान, मतलब शाहरुख खान बोलता है ना अगर ये मुझसे प्यार तो ये पलट के देखेंगे, पलट 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 ऐसे बोलते ना शाहरुख खान साहब, तो वो शाहरुख खान साहब कहते हैं। तो भैया वो सिमेट्रिक हुई कि हमने कहा पलटो और वो पलट गई, मतलब क्या टू वे रिश्ता हो गया, क्या क्या टू वे रिश्ता हो गया क्या, हाँ सर वो हो गया टू वे रिश्ता, मतलब हमने कहा पलट तुमने कहा पलट, तो वो हो गया सिमेट्रिक रिलेशनशिप, मतलब इधर से भी रिश्ता है उधर से भी रिश्ता है, यस और नो, यस सर। ट्रांजेक्टिव रिलेशन क्या होता है, हमने तुमसे प्यार किया, तुमने किया किसी और से, उसने किया किसी और से, और उसने किया हमसे, समझ रहे हो क्या, मतलब हमने प्यार किया तुमसे, तुमने किया किसी और से, और उसने किया हमसे, समझ रहे हो बात को। जैसे एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, नहीं समझे सुनो मेरी बात। भाभी ने देखा दीपा को, दीपा ने देखा तुम्हारे आयुष को, तो क्या इनके बीच में भी एक ट्रायंगल बन गया क्या, ये देखो, फिर सलोनी और इनके बीच में भी ट्रायंगल बन गया क्या, हाँ। तो जो लव ट्रायंगल बन रहा है, ये लव ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रांजेक्टिव रिलेशन। ट्रांजेक्टिव मतलब क्या होता है, जब प्यार पार हो रहा है, प्यार पार हो रहा है, इनसे ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, ऐसा कुछ समझ लो। एंड इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, जो तीनों को सेटिस्फाई करते हैं। अब एक आता रियल एग्जांपल ले लेते हैं जो एग्जाम में आता है, जैसे पैरेलल लाइंस पहले खुद से रिश्ता बनाती है, वो खुद से कमिटमेंट करती है कि भैया तुम्हें पूरे समय से तो वो इतना से अटेंशन में रहती है चाहे कुछ भी, तो सबसे पहले पैरेलल लाइंस खुद से रिश्ता बनाती है, देन पैरेलल लाइंस एक दूसरे से रिश्ता बनाती है कि मैं तुझे तुझसे पैरेलल हूं, तू मुझसे पैरेलल है। वो नहीं होता निब्बा निब्बी कि तुम चलोगे तो बस हाथ पकड़ के चलना, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, ऐसा हमारे बाबा ने कहा था ना, बाबा डज नॉट मीन फादर, बाबा मतलब बाबा बेबी सोना वाला, ठीक है, तो ऐसा उनके बाबा ने कहा था। सो दैट्स कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजेक्टिव क्या होता है, तीन अगर पैरेलल लाइंस है, हमने ए ने बी से रिश्ता बनाया, बी ने सी से रिश्ता बनाया, क्या ए का सी से रिश्ता हो गया क्या, हाँ, और जो तीनों को सेटिस्फाई कर दे पैरेलल लाइंस हमारा इफेक्टिव रेट भी हो गया। एक और चीज है, सिमेट्रिक में अपन परपेंडिकुलर भी मान सकते हैं, ये उसको लेके 90 डिग्री है, वो उसको लेके 90 डिग्री है, बोलो है ना सर, आपने पहली बार रियल नेम लिए होंगे, हाँ पहली बार ही, इससे पहले हमारी क्लास में कभी कांड भी नहीं हुआ ना बेटा, कभी किसी ने किसी को हाय हेलो, इससे सिर्फ उसी को हाय हेलो किया भी नहीं ना, मतलब इससे पहले क्या होता था, अगर कोई बच्चा क्लास में आता था ना, भले वो भाभी नाम का हो या भव्य नाम का हो, वो आते से ही कभी किसी लड़की को हेलो नहीं करता था, वो पहले मेरे को हेलो करता था, है ना बेटा, तो ऐसा रीजन है इसके पीछे, ठीक है। सर का एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ही जो है तुम्हारे कमेंट पढ़ पढ़ के, एक्सपीरियंस ही तो हो रहा है बेटा तुम्हारे साथ, है ना, मतलब ना होने वाले को भी तुम एक्सपीरियंस करवा दो, चलो एनीवे समझ में आया क्या, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब एक तरफा प्यार, सिमेट्रिक रिलेशन मतलब ये प्यार बलहार, मतलब हम तुमसे करेंगे तुम किसी और से, हम तुम हमसे करो, और ट्रांजेक्टिव मतलब हम तुमसे तुम किसी और से वो हमसे, इक्वलेंस मतलब जो तीनों को सेटिस्फाई कर दे। इज दैट क्लियर, क्या आई क्या बात समझ में आई, क्या कुछ भी बोल लो सर दूसरों को ही लपेटेंगे नहीं मेरा एक्सपीरियंस कभी नहीं रहा, मैं आई वॉज फ्रॉम इनिशियल डे ऑफ माई लाइफ आई वॉज वेरी फट्टू पर्सन, मतलब आप लोग विश्वास भले नहीं करोगे लेकिन मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ, इट्स अ फैक्ट, मतलब फ्रॉम इनिशियल डे ऑफ माई लाइफ मैं बहुत ही शांत रहा बंदा रहा हूँ,
मैं शुरू से ही बहुत ही शांत प्रकार का बंदा रहा हूँ एंड आई एम लाइक कि मतलब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ. एक बार क्या हुआ, इस लड़की थी एंड शी वॉज जूनियर. तो अब सीढ़ियाँ होती थी ना स्कूल में फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ने के लिए, तो मैं सीढ़ी चढ़ रहा था और वो सीढ़ी से उतर रही थी, तो उसने मुझे रोक लिया एंड शी टोल्ड मी कि हाय जतिन. मैं आई वॉज सपोज टू भाई भैया बोल, पर अच्छा लगा कि भैया नहीं बोला, बट फिर भी. सो उसने मुझे बोला, बोले हाय जतिन. मैंने बोला हाय. अच्छा वो मैं भी उसके साथ डांस करना चाहता था, बट शी टोल्ड मी इस बार तुम डांस प्रिपेयर कर रहे हो. मैंने बोला आई ऑलवेज आई विल डेफिनेटली डू दैट. लड़की को देख के तो खुशी निकल ही जाती है अपनी. मैंने बोला इट्स ऑलवेज दैट, डेफिनेटली विल डू दैट. तो उसने बोला, बोले कि वुड यू लव टू डू इट विद मी. मेरी फटी, मेरे को समझ में नहीं आया ऐसे में बोलते क्या, हाँ बोलते कि ना बोलते. और मैं इतना बेवकूफ आदमी था कि निकल गया बिना उसे रिस्पॉन्स किए. कसम से बता रहा हूँ, वो दिन आज का दिन है, उसने कभी मेरी शक्ल नहीं देखी, कभी शक्ल नहीं देखी. मतलब इवन शी गॉट इवन 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 शी गॉट मैसेज फ्रॉम माय क्लास टीचर कि भैया हम चाहते हैं कि तू, क्योंकि वो अपनी क्लास की बेस्ट डांसर थी और मैं स्कूल का बेस्ट डांसर था. तो हर टीचर टोल्ड अस कि भैया, उसको बोला, बोले कि भैया यू डांस विद जतिन, ही विल टीच यू. तो मेरे मन में लड्डू फूटा, पर कैडबरी डेयरी मिल्क दो रुपए में दो लड्डू तब नहीं आते थे, तो इसलिए नहीं खा पाया, बट ठीक है ऐसा. चलो एनीवेज, क्लियर हुआ क्या यहां तक की बातें? क्लियर नहीं क्या? देखी तो बहुत बार, उसके बाद देखी तो बहुत बार, बहुत बार दिखी, मतलब कितनी बार दिखी मैं क्या ही बताऊं तुम्हें. बट उसको ना रिस्पॉन्स करने के पीछे भी एक रीजन था. मेरा बेस्ट फ्रेंड वॉज बिहाइंड हर, तो मैं चाहता था कि मैंने अगर डांस कर लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी. मतलब मैं तो ठीक है, पर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तो उसके चक्कर में मैं भूल गया. सलोनी जी जूम रखना, विल डू दैट अगेन, नॉट वरी. चलो एक बार छाप लो, दिमाग में छाप लो, क्या याद आएगा सब लोगों को? बोलो हाय ना, क्या सब लोगों को याद आए, दिमाग में आए क्या ये सब बातें? यस और यस गाइस. अच्छा प्रोडक्ट रूल रिलेशन ये सब भी याद होना चाहिए बेटा. अब मत देखना पिटाई हो जाएगी. नहीं नहीं सर, मैं ऐसा कुछ है नहीं, तुमको पता नहीं क्यों लगता ऐसा. चलो यस, नहीं फ्रेंड लॉयल्टी तो मैंने तुम्हें बताया बाद में एड ऑन करके, मतलब वो सच्चाई जरूर है, बट फ्रेंड लॉयल्टी की बात नहीं थी, मैं डर गया था. मतलब मेरे से जब कोई ऐसे फेस टू फेस आके बात करता है ना अचानक से, आई जस्ट मैं डर जाता हूँ. मतलब आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, आई डोंट नो हाउ टू एक्ट, मैं डर जाता हूँ. मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या होगा, तो मैं इसलिए एकदम शांति से, मतलब मैं ऐसे में चुप हो जाता हूँ. आई डोंट नो व्हाई, बट दिस फ्रीक्वेंटली हैपेंस विद मी, दिस फ्रीक्वेंटली हैपेंस विद मी कि अगर मेरे से कोई बात आके करता है तो मैं डर जाता हूँ. सिल्क वाला कभी मेरा दोस्त नहीं था, वो मेरा जानी दुश्मन था. मतलब इफ आई गेट अ चांस आई वुड किल हिम इन दैट डे, क्योंकि कितना खर्चा करता था यार. हम कभी नहीं कर पाते थे ना इतना, तो पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस ही जीरो थी हमारी. चलो यस आ गया रे. चलिए सर आ जाए, आगे बढ़े आगे बढ़े. तुम्हारी इश्क मोहब्बत प्यार की बातें सब हो गई. ओके सर, नाउ मूविंग हेड आगे बढ़ रहे हैं सर. टाइप्स ऑफ फंक्शन भी कुछ होते हैं, एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन चूंकि ग्राफिकल होते हैं तो हमें उसको समझना ही पड़ेगा. एक सेकंड रुक जाओ यार, मैं इसमें सेटिंग चेंज कर रहा हूं, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड. Just hold for a second, guys. Okay, I'm done. चलो okay. Now types of functions पे आ रहे हैं. सबसे पहला क्या होता है? चार technically पांच प्रकार के होते हैं. First होता है one on one. वन वन बोलते उसे. सेकेंड होता है मैनी वन, ठीक है. थर्ड होता है ऑन टू,
फोर्थ होता है इनटू एम कांस्टेंट, ठीक है। कौन कौन था? भावी था, केशव था, आयुष था। कौन कौन था? भावी था, केशव था, आयुष था। कौन कौन था? भावी, केशव, आयुष। भावी, केशव, आयुष। यहाँ कौन थी? सलोनी, खुशी, दीपा। सलोनी, खुशी, दीपा। सलोनी, खुशी, दीपा। बट उससे पहले मैंने एक चीज डिस्कस करना रह गया अपना, ठीक है। बिफोर मूविंग इनटू दिस थिंग्स हमारी एक छोटी सी चीज डिस्कस करना रह गई, ठीक है। वॉइस लो आ रही है क्या? अभी इसमें देख लेते हैं। चलो एक चीज रह गई हमारा फंक्शन जो है। फंक्शन में मुझे एक बात बताओ, ये हो गया भावी, केशव, आयुष, सलोनी, खुशी, दीपा। हमारे केस था, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? हमारे केस था जिसमें ऐसा कुछ सीन था, यस और नो। हमारा एक केस था जिसमें ऐसा कुछ सीन था, यस। सारे बॉयज को हम लोग क्या बोलते हैं? सारे बॉयज को हम लोग बोलते हैं डोमेन। जैसे मैन वुमेन होता है ना, वैसे डोमेन को डोमेन। सारी गर्ल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वो डोमेन, ठीक है। ये क्या होता है बेटा? सुनो वापस से। सारे बॉयज क्या हो जाते हैं? सारे बॉयज हो जाते हैं डोमेन। और सारी गर्ल्स क्या हो जाती है? सारी गर्ल्स हो जाती है कोडोमेन। लेकिन एक वर्ड और रहता है इसमें, जिसे कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं बेटा? रेंज। क्या ये दोनों किसी के रेंज में है? बी एस के के ए के बोलो है यार, तो ये दोनों हो गए रेंज। इज दैट बेसिक्स गाइस? सारे लड़के हो गए डोमेन, सारे लड़कियां हो गई कोडोमेन, और हमारी वो हो, और हमारी ऐसे कैसे छूट जाएंगे इसके बारे में। और हमारी एस के जो है वो किसी ना किसी की रेंज में है। हाँ, दीपा आउट ऑफ रेंज है। औकात के बाद बोले थे क्लास में एकदम एंट्री लेती है जिससे आते से खुशबू आ जाती है, लेकिन बेटा उससे कोई बात भी नहीं होती क्योंकि तुम उसके पास जाते हो तो तुमसे बदबू आती है। दीपा दो मिनट के लिए है ना, ज्यादा देर के लिए नहीं, दो मिनट के लिए। समझ में आया क्या? इज दैट वेरी क्लियर? तो भैया यहाँ पे ऐसा एक और चीज, क्या कोई भी लड़का दो रिश्ते बना सकता है? नहीं, क्योंकि यूनिक रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन शुड बी वेरी यूनिक। बोलो हाँ या ना? जब मैं वॉइस की तरफ देखकर बोल रहा हूँ तब वॉइस कम हो जा रही है, सॉरी, जब मैं बोर्ड की तरफ देखकर बोल रहा हूँ वॉइस कम हो जा रही है। आई फोकस ऑन, ठीक है। चल, इज दैट ओके? यस। आप समझो वन वन क्या होते हैं? वन वन मतलब अच्छे लोग, सब एक एक के साथ रिश्ता बनाते, ज्यादा लफड़े नहीं पालते। मैनी वन क्या होता है? एक ने एक से ज्यादा के साथ रिश्ता बनाया, ठीक है। ऑनटो क्या होता है? ऑनटो में दीपा आई ही नहीं, ऑनटो में ये हो गया। यहाँ पे एक चीज समझो, क्या कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज है क्या? जितने लोग हैं सब रेंज में है क्या? हाँ। यहाँ क्या हो रहा है? वो ये भी रहा है, लेकिन कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज है क्या? हाँ। चलो, कांस्टेंट मतलब सभी का एक ही जगह ध्यान है क्या? चलो बोलो, कोई शक? कोई शक? कोई शक? बोल, मन में कोई सवाल जवाब? ऑल क्लियर?
हाँ एक साल चौबीस हम तुम और मैं कौन है रोकने वाले टोकने वाले पूछने वाले ऑल क्लियर टिल दिस मोमेंट गाइस एवरीथिंग इज स्ट्रिक्टली क्लियर यस सर ऑल डन मैन ऑल डन मैन ऑल डन मैन इंटू एक बार बता दो इंटू इंटू मतलब क्या हो गया देखो इंटू भी मैनी वन है इंटू इंटू दोनों मैनी वन है ऑनटू में क्यों होना है जितनी भी गर्ल्स है वो सब किसी न किसी के रेंज में है और इंटो में क्या हो रहा है रेंज के बाहर है जैसे दीपा जी इस केस में रेंज के बाहर है इस केस में जितनी लड़कियां हैं सब रेंज में है सर की क्लास में ईयरफोन लगाना बहुत जरूरी रहता है नहीं तो घर वाले पकड़ लेंगे किसी दिन ए, हाँ मतलब इस एटलीस्ट सेटुलेशन फंक्शन में तो अनिवार्य है मतलब अगर घर वाले तुम्हें धो धो दे तो वो तुम्हारी गलती है मेरी उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है मैं तो कहूंगा दो चार थप्पड़ थप्पड़ दो चार ज्यादा मारना कम मत मारना चलो बड़े आगे दिमाग में क्लियर है सब कंसेप्ट आई बिलीव वी लेफ्ट विद सम ऑफ द क्वेश्चंस आई बिलीव वी लेफ्ट विद सम ऑफ द क्वेश्चंस ऐसा मुझे लग रहा है दैट वी नीड टू डू सम ऑफ द क्वेश्चंस बट दैट्स ओके अगेन Not an issue. चलो आगे बढ़ते हैं एक और फंक्शन होता है वो होता है इनवर्स फंक्शन सिक्स्थ होता है इनवर्स फंक्शन ये एकदम बेसिक सा सिंपल है मान लो एक क्वेश्चन है ठीक है एक क्वेश्चन है 5x plus 8 करके क्या करोगे इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है फर्स्ट स्टेप है y is equal to 5x plus 8 कर दो सेकंड स्टेप क्या है x और y की जगह इंटरचेंज कर दो हो जाएगा x is equal to 5 plus 8 थर्ड स्टेप क्या है y की वैल्यू फाइंड करो तो हो गया x minus 8 by 5 is equal to y समझ में आया क्या इजी था क्या इजी था क्या बोलो बेटा बहुत आसान था बहुत आसान बहुत आसान था बहुत आसान एक और क्वेश्चन लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एट एक्स माइनस फोर चलो सॉल्व करो कोई शक बहुत गैप चल रहा है यार बहुत गैप चल रहा है यार मैं जो बोल रहा हूं जो लिख रहा हूं उसमें बहुत गैप चल रहा है अरुण अपा का कहना है x माइनस फोर डिवाइड बाय एट केशव का कहना है x प्लस फोर बाय एट अगर एक तरफ माइनस है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा क्या आया क्या सब लोगों को समझ में आया क्या इज इट वेरी क्लियर टू एवरीवन गाइस हमारे कमेंट्स में हाँ कमेंट्स में और कन्वर्सेशन में डिफरेंस होने जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूँ मतलब मैं आपको बताता हूँ अभी मैंने लाइन खींची है अब जो ये आपको दिखेगी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने स्क्रीन में कब खींची मैं आपको बताऊंगा मुझे तो दिख रहा है ना अभी तो मैं 8x-4 लिख रहा हूँ मतलब इतना डिफरेंस चल रहा है मैंने ये लाइन खींची है
और मैं आपको बताऊंगा मुझे स्क्रीन में जब दिखेगी, आप लोगों को जब दिखेगी मतलब वो और लेट होगी, बट जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है। मैंने अभी तक खींच चुका हूं, मैं एक सेकंड रुको सर। अभी मैंने लाइन खींची, तो जब मैंने एक्चुअल खींची और जब आप लोगों को दिखी उसमें कितना डिफरेंस हो गया आपको समझ में आ गया होगा ऐसा। चलो ऑल गुड, क्या सब कुछ बढ़िया चल रहा है? क्या सब कुछ बढ़िया चल रहा है क्या अभी? एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, एवरीथिंग इज गोइंग चिल गाइस। बस मेनली इतना ही चैप्टर, अभी कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले बचे हैं। आज 6.1 की क्लास है क्या आप लोगों की? शो सही हो रहा है? हाँ ना, वही तो बोलो। अरे सही हो रहा वाली बात नहीं, डिफरेंस बता रहा हूँ कि आपको कब दिख रहा है। चलो यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, एक बार बता दो मेरे को। बाकी फिर अपन पोल जो है वो स्पेशल क्लास के अंदर ले लेंगे, ठीक है। रेदर देन टेकिंग इट हियर, वी टेक इट ऑन स्पेशल क्लास, ठीक है। वी टेक इट ऑन स्पेशल क्लास, दैट्स मच बेटर। तो मैं स्पेशल क्लास के अंदर ले लूंगा। छुट्टी कर दें, नकुल सर की क्लास है, नकुल सर हमारी क्लास भी ले लें, सब ले लें। चलो ऑल क्लियर, 10 बजे क्लास है, 10:30 बजे है आपके स्कैंड में आ चुकी है। बस आज की बात को ये रोके अपन लोग, चलो आज की बात को ये रोक रहे हैं। सी ऑल गाइज एट दी नाइट, सब लोगों से रात में मिलता हूँ, ठीक है। आप सब लोगों से रात को मिलता हूँ, एक बार इस चैप्टर को थोड़ा और पढ़ेगा, अभी क्वेश्चन मिस करने की जरूरत है इस चैप्टर में, ठीक है। तो वो अपन कर लेंगे, ठीक है, तो वो अपन रात को कर लेंगे, कोई दिक्कत होना, इज दैट ओके? तो अपन रात को लेंगे। नहीं, अभी कुछ भी नहीं रख रहा हूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं रख रहा हूँ। अभी मैं अब जो रात को मिलेंगे डायरेक्ट 10:30 बजे, नहीं 10:30 बजे है आज तक की रात, 9 जून लाइव है वो 10:30 बजे ऐसा। तो विल सी, कोई इशू वाली बात होना सुन, ठीक है। आज शाम को बस कुछ रिविजन वगैरह चालू करेंगे और फिर अपन कुछ क्विजेस लेंगे, जैसे आज अपन ने सेटलेशन पढ़ा, अब सेटलेशन का क्विज मैं रखूंगा स्पेशल क्लास के अंदर, कल रखूंगा या परसों रखूंगा, वर्ल्डवाइड मंडी में एक बार डिसाइड करके रख लेंगे, ठीक है। आज इसलिए सबको लपेटा जरूरी हो गया था, है ना, वो थोड़ा जरूरी हो गया था, सबको क्या था कि मैं इक्वल लपेटा हूँ, तो क्या गलत करते हैं, हम सबको इक्वल लपेटते हैं, हमारे लिए सब इक्वल है, जब मारना है तो सबको मारो ऐसा, दैट्स द थॉट प्रोसेस वी फॉलोस, ठीक है। चलो बस फिर मिलते हैं, आई थिंक दैट्स इट फॉर द, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय, ठीक है। Yes, 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 I will start. Chalo, bye, bye. Hello.